आज चित्रकूट की इस पावन धरती पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और युवा यात्रा के सभी सदस्यों के प्रति मैं नमन व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने चित्रकूट की इस पावन धरती पर जो कदम रखा है, जो चरण रखा है, निस्संदेह यह आपका आपका बहुत श्लाघनीय कदम है। वस्तुतः आपका जो लक्ष्य है ग्राम विकास से भारत विकास का जो सपना है, जिसको लेकर के आप सभी युवा पीढ़ी के लोग चले हुए हैं, वह सपना इसी धरती से पूरा हो सकता है। उसके लिए जो कुछ भी आप संकल्प लेना चाहेंगे, जो कुछ भी जीवन में करना चाहेंगे, वह सब कुछ इसी धरती से पूर्ण होगा, क्योंकि इसी धरती पर भगवान श्री सीताराम जी ने संकल्प लिया था इस राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के विरुद्ध जो आसुरी शक्तियाँ थी उनके नाश के लिए। और यही कारण है कि इसी धरती से हमारे राष्ट्र श्री नाना जी ने यह संकल्प लिया कि यहीं रह करके ही इस देश में जो एक संदेश दिया जा सकता है, देश की पूरी जनता गांव में बसती है, इस देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा। माननीय नाना जी ने 70 साल की उम्र में, 70 साल की अवस्था में भारतीय राजनीति से संन्यास लेकर के यहाँ एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में अपना संकल्प शुरू किया, अपना कार्य शुरू किया कि यहाँ 50 किलोमीटर के रेडियस में हम गांव का विकास करके दिखाएंगे, एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे, उससे राष्ट्र का कैसे विकास होगा, समाज का कैसे विकास होगा, प्रत्येक व्यक्ति का कैसे विकास होगा, गांव के जन जन में विकास की कैसे जागरण होगा, उन सारी चीज़ों को नाना जी ने यहाँ स्थापित कर दिया है, करके दिखाया है। और आपकी युवा यात्रा यहाँ आकर के उन कार्यों को देख करके निस्संदेह प्रेरणा प्राप्त करेगी और आपका यह मिशन, आपका यह लक्ष्य ग्राम विकास से भारत विकास का सपना यहीं से पूर्ण होगा, यहीं से आपको ऊर्जा मिलेगी, यहीं से आपको प्रेरणा मिलेगी, यहीं से आपको शक्ति मिलेगी और आपका भी संकल्प पूरा होगा माननीय नाना जी के आशीर्वाद से, भगवान श्री सीताराम जी के की कृपा से, भगवान श्री सीताराम जी की के इस धरती पर जो आपके आगमन से आपको जो ऊर्जा मिलेगी, भगवान श्री सीताराम जी का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी और आपका ग्राम विकास और भारत विकास का सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूं, शुभकामनाएं करता हूं, ढेर सारे आशीर्वचन देता हूं और मंगल कामना करता हूं आपके संकल्प पूरा होने के लिए। और फिर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमन आप सबका युवा यात्रा 2015।